ये नैनीताल है, नैनीताल में नैनी झील है और नैनी झील में गुरु जी है, डोरीलाल प्रभु जी है और उन्हीं के पास मैं भी हूँ। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही सुंदर, चारों तरफ पहाड़ है, नहीं मुझे बोले, और व्यू देखो, बीच में झील है, इतनी गहरी झील है मैं पता भी नहीं कि कितनी गहरी झील है। एक मिनट गुरुजी आप बताओ कुछ। हम लोग अभी नैनीताल में आए हैं, इसलिए इसका नाम नैनीताल है। ताल मतलब होता है यहाँ पर जो सरोवर है, ये आश्चर्य की बात है। ये पास में हिमालय है, यहीं से चाइना दिखती है और इतना उच्च स्थान पर इतना बड़ा सुंदर सरोवर लेक, ये आश्चर्य की बात है। क्योंकि इतना यहाँ पर गहरा जिस पर था इसलिए ये स्थान का नाम जो माता सती ने सही त्याग दी, शंकर जी जब वो शरीर को लेकर गुमंदन में चर्चा कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे मानव प्रलय हो जाएगी। उस समय में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र द्वारा माता जी के शरीर को उन्हें टुकड़े टुकड़े काट करके उन्हें फेंका, इसलिए वो शरीर बाहर टुकड़े हो गए थे और यहाँ पर माता जी की नयन गिरा, आँख गिरी है, नयन गिरी है, इसलिए ये स्थान का नाम उसी से नाम स्थान का नाम है नैनीताल नाम पड़ा है। इसलिए ये स्थान बड़ा प्रसिद्ध स्थान है हमारे भारत में, बाहर पीठ है, वो पीठ का अलग अलग नाम है, इसलिए ये स्थान बड़ा महत्व स्थान है। इसलिए हम लोग गुरु वैष्णव का अनुगत में स्थान को हम दर्शन करने के लिए आए। माता देवी से साधारण लोग दुनिया की कामना वासना करते हैं, लेकिन इनकी एक स्वरूप वैष्णव स्वरूप है, वैष्णव स्वरूप में ये भगवान की भक्ति प्रदान करती हैं और इसलिए ब्रज गोपियाँ भी इनकी पूजा करते हुए कात्यायनी महामाई महाजोगिन नदीश्वरी नंद गोप सुखम जलिपति ने वहीं से कृष्ण को पति रूप में प्रार्थना की, इसलिए हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए। सीताई गौर प्रेमानंद हरी हरी बो गुरु जी महाराज की जय। ये देखो कितना सुंदर व्यू है, भाई वाह बहुत बढ़िया। ज्यादा घुमा दिया आपको, ठीक है, अच्छी बात है, जितना ज्यादा घुमाओगे उतनी ज्यादा कृपा होगी आपके ऊपर। सुबह आप साधु संत घुमाते हैं, सुबह साधु संत घुमा रहे हो, आपके आपको भी नहीं पता कितनी कृपा होने वाली है आपके ऊपर। जय श्री गुरुदेव की जय। 210 वाला हमारा वो डिब्बा रहता है। अच्छा हाँ इतना ही सही है, डिब्बे के पास ही आगे ज्यादा दूर नहीं है। करीब हम लोगों को ना